आज का हमारा वीडियो होने वाला है कॉन्शियस केमिस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज पर। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जितने ज्यादा मेरे शॉर्ट्स पे जो कॉन्शियस केमिस्ट प्रोडक्ट वाला जो शॉर्ट मैंने बनाया था उस पर जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, सब्सक्राइब आएंगे, तो मैं एक लॉन्ग वीडियो जरूर करूंगी। टाइम इसलिए लग गया क्योंकि एक डेढ़ महीने से मैं ये प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ और मैं यूज करके एक्चुअल रिव्यूज आप लोगों के सामने लाना चाहती थी, इसलिए इसमें इतना लंबा टाइम हो गया वीडियो को आपके सामने लाने में। और शॉर्ट्स देखो आप, लगभग मैंने पता नहीं कब डाला था, हो गया लंबा टाइम और आज मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आ रही हूँ। एक और वीडियो मेरा पेंडिंग है हाइड्रा फेशियल वाला, वो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी, ऑलमोस्ट रेडी है, आप लोगों के सामने जल्दी लेकर आऊंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है हर्षिता, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जो ऑलरेडी मेरे चैनल को देखते हैं, व्यूअर्स हैं एग्जिस्टिंग, उनके लिए वेलकम बैक, और जो नए हैं वेलकम टू माय चैनल। और पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेरी ब्राइट सूदिंग एंड कामिंग फेस क्लेंजर, ये भी खत्म हो चुका है, देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खत्म हो चुका है। तो इसको मैंने यूज किया और इसका फ्रेग्रेंस वगैरह सब ठीक है। नाइसिनामाइड था जो मुझे चाहिए था अपने फेस के लिए, ऑटमिल बेरी कॉम्प्लेक्स, ये मैंने यूज किया है, पूरा खत्म कर चुकी हूं तो अब रिव्यू कर रही हूं। ठीक है, फ्रेग्रेंस से आप लोग नहीं ले सकते हैं प्रोडक्ट, फ्रेग्रेंस अच्छा होगा किसी प्रोडक्ट का इसलिए आप अपने फेस के लिए नहीं ले लोगे। इफेक्टिव अगर मैं बोलूंगी तो अ बिग नो, इसने मेरे फेस पे कोई चेंज नहीं लाया, कोई भी चेंज। जैसे अगर आप बस फेस आपका प्रोटेक्ट रह रहा है वो आप किसी भी नॉर्मल फेस वॉश से भी कर सकते हो, अगर आप डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो तो आप वो किसी भी फेस वॉश से फॉलो कर लो। लेकिन आप लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो आप अगर आपका इवन आउट स्किन टोन है उसको आप ठीक करना चाह रहे हो और उसके लिए आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो उतना इफेक्टिव होना चाहिए, तो मुझे वो इफेक्टिव नहीं लगा, इस फेस वॉश मुझे इफेक्टिव नहीं लगा, तो अ बिग नो। और इसकी बात करेंगे द डिफेंडर नाइट क्रीम, इसकी भी इसको भी मैंने काफी टाइम से यूज कर रही हूं। मैंने बताया ना कि मैं काफी लंबे टाइम से यूज करके रिव्यूज ला रही हूं, तो इसके लिए भी आयल से, और ये जो है हेल्प्स रिड्यूस साइंस ऑफ एजिंग है ना, तो इसके लिए भी मैं यही कहूंगी अ बिग नो, ये प्रोडक्ट भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी। अब बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन करेक्टर क्रीम, जो कि मेरा ऑलवेज का इश्यू है मेरे फेस का। तो ये मैं एक ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, एक पूरा पैक मैंने खत्म कर दिया, ये दूसरा है, मैंने इसको अभी ओपन नहीं किया। रीजन, अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, पहली बात तो मुझे पिगमेंटेशन में कोई मेरे चेंजेस नहीं दिखा, दूसरा रीजन जब इसमें इसको अप्लाई करती हूँ तो मेरे आंखों में बहुत इरिटेशन होती है, तो मुझे मेरी आंखें जलने लगती हैं इस फेस वॉश को, इस फेस क्रीम को लगाने के बाद। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं जब ऑफिस में बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि एसी की वजह से ड्राइनेस आ रही है, क्यों, क्या रीजन है। मैंने फिर कोशिश की रिकॉल करने की कि मैंने क्या चेंजेस लाए हैं अपने रूटीन में, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं रिकॉल करती हूँ कि क्या मैं चेंज लाई हूं अपने रूटीन में जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। एक तो एसी ऑन हुआ था गर्मी की वजह से, दूसरा मैं ये क्रीम यूज कर रही थी, तो यार एसी तो एवरी ईयर यूज करती हूँ तब तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्या आईसाइट वीक हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको यूज करना स्टॉप किया और अभी मेरी आईज में इरिटेशन नहीं है, तो इसके लिए भी आई विल से अ बिग नो। तो कॉन्शियस केमिस्ट के प्रोडक्ट्स मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, मेरे ये पर्सनल रिव्यूज हैं, देखिए और किसी को अच्छे लग सकते हैं और मेरा किसी से पर्सनल कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, बट मैं ऑनेस्ट रिव्यूज आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी हमेशा। तो मुझे ये कॉन्शियस केमिस्ट के प्रोडक्ट्स मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, आई विल से कि आई डोंट रिकमेंड। बाकी जिनको अच्छे लगते हैं वो अच्छे लगते होंगे, उनके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, मैं किसी ब्रांड के लिए भी कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि मेरी स्किन को सूट ना किया हो, किसी और की स्किन को सूट करेगा। तो बस इतने ही थे मेरे रिव्यूज, किसी के लिए मेरा कोई पर्सनल रिवेंज नहीं है, प्लीज अगर किसी को भी हर्ट होता है मेरे रिव्यूज से तो आई एम रियली सॉरी, बट ऑडियंस के सामने मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यूज ही लेकर आऊंगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रा फेशियल, जो कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है वो मैं आप लोगों के सामने अब लेकर आऊंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।